नाच उठी जिंदगी थिरक उठे पैर, होली के अवसर पर अपने बन गए गैर। होली पर झूम उठे वृद्धाश्रम के वरिष्ठ जन, समाज सेवी संस्थाओं ने मिलजुल करके मनाई होली। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले मुख्यालय में स्थित श्री हरि वृद्धाश्रम में बुजुर्ग माता पिता होली के उत्सव में खुशी से झूम उठे। अपने घर परिवारों से भी ज्यादा अपने इस प्यार भरे आशियाने में जमकर होली की मस्ती की, धूम मचाई और अपने सच्चे बेटे बहु वेद प्रकाश शर्मा और इंदिरा शर्मा आश्रम संचालक के साथ होली के रंगों के बीच खुशी से झूम उठे। इस अवसर पर सभी बुजुर्ग जन आश्रम परिसर में जमकर थिरके। एक ओर जहां नृत्य सॉन्ग और हास्य का भरपूर आनंद लिया, वहीं दूसरी ओर सभी ने रंग गुलाल लगाकर होली के रंगों को और होली के मस्ती को और रंगीन बना दिया। हरि वृद्धाश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा और इंदिरा शर्मा ने सभी बुजुर्गो के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ जमकर के होली खेली। इस अवसर पर बुजुर्गो ने ढोलक की थाप, मंजीरों की झनकार के बीच जमकर नृत्य किया। विभिन्न समाज सेवी संगठन और शहर के नागरिकों ने आकर सभी बुजुर्ग जनों को स्नेह से भरा गुलाल लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। यह क्रम अब भी जारी है। अपने घर और घर की उपेक्षा को भूल चुके ये वृद्ध जन अब आश्रम को ही अपना सच्चा घर मानते हैं, इसलिए श्री हरि वृद्धाश्रम को वृद्ध जनों का अपना घर कहा जाता है। आश्रम में ऐसे ही सभी पर्व मिलजुल करके एकता के साथ सारे धर्म के लोगों के साथ इन बुजुर्गों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नाम राम प्यारी है, प्यारी है हमारा नाम। अरे होली में गोरी देखो कैसी लग रही है, ये आश्रम की होली है, ये वृद्ध आश्रम की होली, जहाँ में देखो गोरी कैसी लग रही है। हाँ, ऐसा बनिया तो पूरे विदिशा में होगा, ये आनंद जहाँ रहा है होली का। भैया हमने ऐसी होली जीवन में नहीं खेली जैसे आज वृद्ध आश्रम में खेली, और बहुत मजा आया, बहुत अच्छो लगो, और सब सखियों के संगे खेली, सब बाल गोपालों के संगे खेली, और हमने होली खेली ऐसी उम्र में नहीं खेली, और न देख कहीं देखी और न कहीं भावी ऐसी भाइयों से। सर ऐसी होली मनाते हैं हमारे सर, और हम वृद्धों के लाने साथ में नाच गाने सब करते हैं, बहुत आनंद आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसी होली हमने हमारे जीवन में, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने कभी नहीं देखी, जो कि हमारे वृद्धाश्रम में ऐसी होली हम मनाते आ रहे हैं। ऐसे बुजुर्गों के साथ बच्चे लोग ऐसी होली खेले तो आनंद आएगा, खूब बहुत आनंद आता है। अयोध्या प्रसाद, कहाँ रहते हैं आप? श्री हरि वृद्धाश्रम में। कितने वर्षों से रह रहे हैं? 2 साल से लगातार रह रहे हैं। 2 साल से हमारी ये दूसरी होली है। होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और हम अपने परिवार की तरह वृद्धाश्रम में हर त्यौहार मनाते हैं। होली भी हंसी खुशी अच्छी तरह से मनाई गई, खूब अच्छे अच्छे गीत गाए गए, अच्छी तरह से होली का त्यौहार मनाया गया, डांस भी हुए। और सभी बच्चों से कहेंगे कि अपने माता पिता के लिए आश्रम ना दिखाएं, अपने घर में ही खुशी से हर एक त्यौहार मनाएं। घर पर ऐसी होली कभी नहीं मनाई, वृद्धाश्रम में जितनी अच्छी तरह से होली मनाई है। इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरि वृद्धाश्रम, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ढोलक, नगाड़े, नगड़िया, झांझर आदि की धुन पर हमारे बुजुर्ग जन खूब ही नाचे गाए, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, रंग गुलाल लगाया। लेकिन इस अवसर पर कुछ हमारे बुजुर्ग भावुक भी हुए, उन्होंने अपने बच्चों को भी याद किया, वो भी चाहते थे कि ऐसा ही त्यौहार होली का और अन्य त्यौहार उनके बच्चों के साथ में क्यों ना मनाया जाए।
उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि वो भी अपने बच्चों के साथ में होली का ये उत्सव मनाए।